ना 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 ना, इस खिड़की को खोलोगी ना तो कमरे में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। गली का पिछला हिस्सा है, गटर उबल रहे हैं। हर बात में तुम्हारा लुकमा देना जरूरी है? हाँ जी, बहुत जरूरी है। याद रखना, बाबरा बाजी की जुबान हूँ मैं। बाबरा बाजी की जुबान? बाबरा बाजी को भिजड़ा ही मिला था अपनी जुबान बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने क्या बोली? भिजड़ा किसको बोली तू? उस दिन तो बाबरा जी ने बचा लिया उसको मेरे से। ठीक है, मैं निकालती हूँ। एक सेकंड। हेलो। हेलो जी मैडम, ईमान साहिबा बात कर रही हैं जी। मैडम आप ज़रा हमारे दफ्तर तशरीफ़ लेकर आए, एक कत्ल के केस में आपसे तफ्तीश करनी है। कत्ल? मेरा किसी कत्ल से क्या ताल्लुक? और मैडम ये तो हम बताएंगे ना कि ताल्लुक है कि नहीं, आप बस तशरीफ़ ले आए। और अगर मुश्किल हो रही है तो हमें बता दें, अब बंदे भेज के मंगवा लेते हैं आपको। जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मैडम, मेरा मतलब है सर, अब आपकी बारी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको उनोर कैसे आई? मैं ईमान। अच्छा, जिसने जरिश को कॉल की थी? उसने मुझे कॉल की थी। क्या बात हुई थी तुम दोनों की भाई? उसने मेरे से बदतमीजी की तो मैंने उसे कत्ल की धमकी दे दी, पर मैंने उसको कत्ल नहीं किया। हेलो, फोर्स लाओ, अंदर कातिल पड़े आ गया। सर आपने तो अभी तफ्तीश शुरू भी नहीं की। ऐसे ही करता हूं मैं तफ्तीश। 20 साल का तजर्बा है मेरा। वो कहते हैं ना, महबूब लालक फार्मूला। कौन है सर कातिल? मैं बैठा। पढ़ो कातिल। ओ सर ये पढ़ा है। मैडम मीडिया वालों को बोल दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस? बात करने दीजिए मुझे। मैडम जी, आपके अफसर मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जरिश का कत्ल नहीं किया। धमकी तो दी थी ना तुमने उसे? वो कुत्ती है ही इस काबिल थी। मैडम उसने जो मेरे बारे में सब कुछ कहा वो आपने नहीं सुना फोन कॉल में? क्या ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ, कैसे जानती थी? थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम ईमान। ये आमना है? आमना ये ईमान है। वेरी क्यूट। हमारे पार्लर पे अगली तस्वीर इनकी लगेगी। ओ अच्छा। अच्छा इसका सामान जो है ना गेस्ट रूम में पहुंचा दो, कुछ दिन ये यहीं रहेंगी। ठीक है जी। ये तो इतना भारी है, लगता है
आमना अपने सारे घर का सामान उठा के ले आई है। मैं इसकी बातों का बिल्कुल माइंड नहीं करती। तुमने भी नहीं करना। अच्छा बाबरा जी, मुझे बताएं मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, बाबरा जी या बाबरा बाजी? जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे बाबरा जी ठीक लगता है, क्योंकि बाजी तो आप वैसे भी नहीं लगती। सच्ची? तुम्हें भी ऐसा लगता है? जी नहीं लगती। ये काफी कड़वी है, मैंने नहीं पी। वैसे हर अच्छी चीज कड़वी होती है, लेकिन हर कड़वी चीज अच्छी नहीं होती। मान जी बाजी, ओ इसका नाम तुम रखोगी अब? मैं? ओहो आप रखे ना। मैं मेकअप करती हूँ, लड़कियों के नाम ईमान रखती है। पता है ईमान ने जिन जिन एक्ट्रेसेस के नाम रखे हैं ना, कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब पेडिक्योर बाबरा ब्यूटी सलोन से करवाया हो। वैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आई एम 21 years. नहीं, मेरा मतलब है तारीख पैदाइश। 4 जून बताइए। मैंने जून, मुझे लगता है मैं जेड सूट करेगा। जेड से लेकिन जेड जरिश, जरिश कैसा लगे? ब्यूटिफुल। आज से तुम्हारा नाम जरिश। सही है जवाब है। तो ये है तुम्हारा कमरा। ना 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 ना, इस खिड़की को खोलोगी ना तो कमरे में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। गली का पिछला हिस्सा है, गटर उबल रहे हैं। हर बात में तुम्हारा लुकमा देना जरूरी है? हाँ जी, बहुत जरूरी है। याद रखना, बाबरा बाजी की जुबान हूँ मैं। बाबरा बाजी की जुबान? बाबरा बाजी को भिजड़ा ही मिला था अपनी जुबान बनाने के लिए। अच्छा यहाँ पे खाने पीने क्या बोली? भिजड़ा किसको बोली तू? उस दिन तो बाबरा जी ने बचा लिया उसको मेरे से। उसके बाद जब भी हमारा आमना सामना हुआ है तो हमारी लड़ाई ही हुई है। वो अपनी जबान चलाती थी तो मैं अपने हाथ तक। और जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन क्या हुआ? उस दिन भी उसने जबान चलाई और तुमने हाथ? मैं उसे उस दिन नहीं मिली मैडम। मैडम बकवास करती है ये। पुलिस कस्टडी में ले नहीं, उनके घर की तलाशी लीजिए। सीरियल किलर, बुध और जुमेरात रात 9 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका रसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है।